हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ रविंद्र योगी सर, और आज हम पढ़ेंगे साइंस का 15th चैप्टर आर इन्वायरमेंट के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इम्पॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट की नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि इन्वायरमेंट, अगर हमें सही इन्वायरमेंट होगा तो हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो इन्वायरमेंट होता क्या है, तो ये हमें जानना सबसे पहले ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इसमें जैसा कि आप ये पिक देख रहे हैं, इस पिक में इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें दिख रही हैं। जैसे कि आपको ये स्काई दिख रहा है ब्लू ब्लू, ठीक है, तो ये स्काई इन्वायरमेंट का एक पार्ट होता है। ये ट्री दिख रही है आपको, है ना, तो जैसा मैं आपको मेंशन भी कर देता हूँ, ये स्काई है, ये ट्री है, और ये नीचे कुछ प्लांट्स भी लगे हुए हैं, है ना। तो इस तरह की जो ग्रीनरी प्लांट्स हैं, तो इन सबको मिला के क्या बनता है, इन्वायरमेंट बनता है। इस पिक को देख के आपको काफ़ी फ्रेश फीलिंग सी आ रही होगी, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी क्लीन सा क्लाइमेट दिख रहा है आपको। तो ये हमारा क्या है, इन्वायरमेंट है। ठीक है, तो हमें इन्वायरमेंट को काफ़ी क्लीन रखना चाहिए ताकि हमारी हेल्थ पे इसका इफ़ेक्ट ना पड़े। ठीक है, अगर इन्वायरमेंट क्लीन रहेगा तो हमें हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। ठीक है, क्योंकि उसमें कोई पॉल्यूशन ना हो, तो इस तरह से इन्वायरमेंट अच्छा रहता है। ठीक है, तो हम इसकी चैप्टर के बारे में फुली डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं आर इन्वायरमेंट चैप्टर के अंतर्गत। तो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है अपनी, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, फिर वेस्ट, इकोसिस्टम, फूड चेन, फूड वेव, 10% लो, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ओजोन, ओजोन डिप्लेक्शन, और प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में देखेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देख रहे हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं इन्वायरमेंट क्या है। तो हमारे आसपास भी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब क्या है, इन्वायरमेंट है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, इसमें लिविंग थिंग्स आती हैं और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आते हैं। ठीक है, तो द लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर इन्फ्लुएंस द इन्वायरमेंट। जो इन्वायरमेंट होगा इसमें सारी लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आएंगे, इसी को हम क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट बोलते हैं। क्लियर है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा प्लेनेट है, ये हमारा प्लेनेट है यानी ये अर्थ है। ठीक है, तो ये जो हमारा अर्थ प्लेनेट है जिस पे हम रह रहे हैं, तो यहाँ पर कई सारी लिविंग थिंग्स भी होंगी और कई सारी नॉन लिविंग थिंग्स भी होंगी। तो इन्हीं के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, और साथ साथ ये भी देखेंगे कि ये लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले देख लेते हैं जो इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एबायोटिक और बायोटिक। तो एबायोटिक के कंपोनेंट के अंदर जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सब क्या हैं, एबायोटिक है। और बायोटिक का मतलब हो गया जो लिविंग थिंग्स हैं, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं या फैक्टर्स हैं वो सब क्या होते हैं, बायोटिक होते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं अबायोटिक फैक्टर्स के बारे में। दे आर नॉन लिविंग फैक्टर्स दैट अफेक्ट इन्वायरमेंट। ये कुछ ऐसे नॉन लिविंग फैक्टर है जो इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे इसमें आ गया हमारा सनलाइट हो गई, है ना, सनलाइट है, वाटर है, टेम्परेचर, रॉक्स, एयर, ये सभी फैक्टर्स क्या हैं, एबायोटिक फैक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो जो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं ये भी क्या होते हैं, तीन टाइप के होते हैं, पहला क्लाइमेट फैक्टर, दूसरा फिजियोग्राफिक फैक्टर, और तीसरा एडेपिक फैक्टर होता है। ठीक है, तो क्लाइमेट फैक्टर में क्या होता है, इसके अंदर विंड, वाटर, लाइट एंड टेम्परेचर, ये सभी क्या हैं, क्लाइमेट फैक्टर हैं, है ना। फिजियोग्राफिक फैक्टर्स में हाइट, स्लोप, ETC, ये सब क्या हैं, फिजियोसाइक्रोफ्री। अब हम देखते हैं एडेफिक फैक्टर्स क्या होते हैं, जो मिनरल्स हैं, सॉइल हैं, टेक्सचर है, सॉइल ऑर्गेनिज्म, pH ऑफ सॉइल, ETC, ये सभी क्या हैं, एडेफिक फैक्टर्स कहलाते हैं। इसके बाद देखते हैं बायोटिक फैक्टर्स के बारे में। तो बायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं, जो भी लिविंग फैक्टर्स हैं वो सब क्या हैं, लिविंग फैक्टर्स ही जो इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं उन्हें हम बायोटिक कहते हैं। इसमें आ गया हमारा ग्रेजिंग एनिमल्स, इंसेक्ट, लाइचेंस, ये लीकेंस, जो आप जानते हैं लीकेंस क्या होता है, जो फंगाई होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, फंगाई विथ एल्गी, लीकेन कहलाता है। ह्यूमंस है, पैरासाइट्स हैं, ये पैरासाइट्स का मतलब हो गया प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है,
जो भी लिविंग हैं वो सब क्या हैं, बायोटिक फैक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, इंसेक्ट के बारे में आप जानते हैं, इसके बारे में मैंने बता दिया। ठीक है, ह्यूमंस के बारे में आप जानते ही हैं, पैरासाइट्स जो अपना खाना किसी की बॉडी से लेते हैं उसे पैरासाइट्स कहते हैं, और ये प्लांट्स भी हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो प्लांट्स होते हैं वो भी बायोटिक फैक्टर में आते हैं, जैसा कि आपको कुछ दिख रहे हैं बायोटिक और अबायोटिक इन्वायरमेंट के फैक्टर इसमें दे रखे हैं, है ना, जैसे कि जो सन है और ये सी है, ये सब क्या है, एबायोटिक फैक्टर्स में आते हैं। क्लियर है? और बायोटिक फैक्टर्स के अंदर जैसे बफेलो है, रैबिट है ना, ये प्लांट्स हैं, ये सब क्या है, बायोटिक फैक्टर कहलाते हैं। इज इट क्लियर? और एटमॉस्फेयर भी आपका क्या है, अबायोटिक फैक्टर है। अब देखते हैं हम वेस्ट के बारे में, वेस्ट क्या होता है। तो स्टूडेंट वेस्ट क्या है इसको समझ लेते हैं। वेस्ट आर द यूजलेस और डिस्कार्डेड मटेरियल्स, जो भी हम खाते नहीं है, जो यूजलेस हो जाता है और डिस्कार्डेड हो जाता है, जिसे हम फेंकते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, वेस्ट कहलाता है। वेस्ट गैसियस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और सॉलिड भी हो सकता है नेचर में। जैसा कि आप देख रहे हैं ये सब क्या है, किचन वेस्ट है। ठीक है, जो किचन का जो वेस्टेज है ये वेस्ट कहलाता है, जिसे हम खाएंगे नहीं, फेंक रहे हैं जिसे। ठीक है, तो ये सॉलिड है आपको जैसा कि दिख रहा है ना, ये लिक्विड है, ये लिक्विड वेस्टेज कहलाता है। और ये आप तीसरा देख रहे हैं, चिमनी से जो धुआं गैसेस वगैरह निकल रही हैं, तो ये गैसियस वेस्टेज होता है। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वेस्टेज। जो वेस्टेज होता है उसके टू टाइप होते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल जो होते हैं, बायोडिग्रेडेबल का मतलब हो गया जिसको, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको ब्रेक डाउन कर दें, उस वेस्टेज को हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन ना कर पाए उन्हें नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। जैसे ये जो किचन वेस्टेज है, तो ये किचन वेस्टेज जो है बायोडिग्रेडेबल का एग्जांपल हो गया, जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल में हम क्या कर सकते हैं, इनको ले सकते हैं, जो प्लास्टिक वगैरह की बॉटल्स हैं, है ना, तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल के अंदर आती हैं। इन्हें भी डिटेल्स में देखते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, समझ में आया आपको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन जिसे कर देते हैं वो बायोडिग्रेडेबल है, जो नहीं कर पाते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज, इट इज़ द वेस्टेज दैट इज ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय सेप्रोफाइटिस, है ना, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो इसको ब्रेक डाउन करेंगे उसे हम क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइटिस कहते हैं। ये जो सेप्रोफाइटिस क्या होते हैं, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर का मतलब आप जानते ही हैं, जो प्लांट और एनिमल से मिलके बनते हैं उनको क्या कहते हैं, हम ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज हो गया, इसके एग्जांपल किचन वेस्ट, सीवेज, कॉटन, क्लोथ एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब क्या है, हमारे बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। अब हम देखते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं। तो दीज आर दोज विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्लियर है, जिन्हें ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा बायोलॉजिकल प्रोसेस से, उन्हें नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। इसके अंदर प्लास्टिक, पॉलीथीन्स, बैग एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज में आती हैं। ठीक है स्टूडेंट, और इनको डिकम्पोज करना भी, डिकम्पोज नहीं होती है, और इनसे पॉल्यूशंस भी काफ़ी होता है। ठीक है, ये पॉल्यूशन करने वाले होते हैं, इसलिए नॉन बायोडिग्रेडेबल का वेस्टेज का यूज़ कम करना चाहिए। दीज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्रिएट्स इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। ठीक है, इट इज़ एन अनडिज़ायरेबल चेंज। ठीक है, पॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, जो अनडिज़ायरेबल चेंज है फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स में, और होता किसके थ्रू है, एयर, वाटर और सॉइल में, उसे हम बोलते हैं पॉल्यूशन। ठीक है, एयर, वाटर और सॉइल के अंदर जो अनडिज़ायरेबल चेंज आते हैं, या तो वो फिजिकली हो या केमिकली या बायोलॉजिकल, उसी को क्या बोलते हैं, पॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, और पॉल्यूशन हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है, तो हमें कम से कम नॉन बायोडिग्रेडेबल सोर्सेस का यूज़ करना चाहिए, है ना, ताकि हमें हेल्थ डिसऑर्डर्स ना हो। स्टूडेंट अब नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा इकोसिस्टम।
तो इकोसिस्टम क्या होता है? इट इज़ ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। ठीक है, जो बायोस्फीयर की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है उसको ही हम क्या बोलते हैं, इको सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, बायोस्फीयर यानी जो एटमोस्फीयर की जो स्ट्रक्चरल और फंडामेंटल फंक्शनल यूनिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इको सिस्टम बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, ये लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से विद फूड चेन के साथ और बायो जियो केमिकल साइकिल के साथ। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, इकोसिस्टम। तो ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, आपको ये तो समझ में आ गया, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, लिविंग और नॉन, और इसमें लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्शन करते हैं किसके साथ, फूड चेन और बायो केमिकल साइकिल के साथ। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, आपको इकोसिस्टम दिखाया गया है, इसके अंदर कुछ लिविंग और कुछ नॉन लिविंग थिंग है। जैसे नॉन लिविंग में सन आ गया, वाटर आ गया, सी हो गया, सॉइल हो गई, एयर हो गई, ये तो सब क्या है, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग है, और रॉक्स भी हो गई। और लिविंग में क्या है, ये प्लांट्स हो गए, है ना, इस तरह की ट्रीज हो गई, और ये रैबिट हो गया, ये सब क्या है, नॉन लिविंग है। ये सब क्या है, एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे और फूड चेन बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह के जो सिस्टम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इको सिस्टम बोलते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इको सिस्टम। तो ये नेचुरल हो सकता है या आर्टिफिशियल हो सकता है। तो नेचुरल इको सिस्टम में और आर्टिफिशियल इको सिस्टम में देखते हैं क्या है। देखो, नेचुरल इको सिस्टम क्या होता है, जैसे कि लेक्स, पॉन्ड्स, फॉरेस्ट, ये सब क्या है, नेचुरल इको सिस्टम है ना। ये जो लेक्स होती हैं, पॉन्ड्स और फॉरेस्ट हैं, इन्हें किसी ने बनाया ही है, ये नेचुरली बनी हुई हैं, तो ये नेचुरल इकोसिस्टम में आती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये फॉरेस्ट है, अब इस फॉरेस्ट को किसी ने बनाया नहीं है, नेचुरली अक्रिंग है ये, इसलिए इसको नेचुरल इकोसिस्टम बोलेंगे, है ना। और जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है, इसे मैन मेड होता है, यानी मैन बनाता है इसे। तो कौन कौन से होते हैं ना आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, इसमें आपके गार्डन आ गए, क्रॉप फील्ड्स आ गए, एक्यूरियम आ गया, जैसा एक्यूरियम आपको ये दिखाया गया, ये एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एग्जांपल हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, द ऑर्गेनिज्म दैट कैन मेक देयर फूड बाय देमसेल्फ बाय यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको क्या कहते हैं हम, प्रोड्यूसर्स कहते हैं। तो अपना खाना आप जानते हैं, प्लांट्स बनाते हैं, यानी ये फोटोसिंथेसिस होता है, इनमें फोटोसिंथेसिस होता है क्योंकि इनके अंदर क्या है, फोटो पिगमेंट पाया जाता है। तो ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं और सोलर एनर्जी को फूड में कन्वर्ट करते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स कहते हैं। ठीक है, या कुछ प्रोड्यूसर्स के एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, जैसे ये ग्रास हो गया, ये शर्ब्स हो गई, ये ट्रीज हो गया, ये सब क्या है, प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब ग्रीन प्लांट के अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है, इसी कारण ये फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। अब कंज्यूमर क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने खाने के लिए हमने, है ना, दूसरे पे डिपेंड होते हैं। तो द ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड अपॉन प्रोड्यूसर फॉर देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, जो प्रोड्यूसर पर अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए डिपेंड होते हैं उन्हें कंज्यूमर कहते हैं। इनमें हर्बीवोरस, कार्बनिवोरस और ओमनिवोरस आते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, उनको खाने वालों को खाते हैं। हर्बीवोरस क्या होते हैं, हर्बीवोरस का मतलब हो गया दे आर ऑल्सो ए प्राइमरी कंज्यूमर। हर्बीवोरस क्या होता है, प्राइमरी कंज्यूमर होता है, जो ग्रीन प्लांट्स को जो ईट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हर्बीवोरस। जैसे डियर, रैबिट, माउस, ETC, ये सब क्या है, हर्बीवोरस है। जैसे कि आपको डायग्राम में ये सब दिख रहे हैं, ये सब हर्बीवोरस हैं, ये प्लांट्स वगैरह को ईट करते हैं। जो प्लांट को ईट करने वाले एनिमल्स होते हैं उनको हम हर्बीवोरस बोलते हैं। इज इट क्लियर। कार्निवोरस, कार्निवोरस क्या होते हैं, द एनिमल्स विच डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट, जो क्या करते हैं, जो फ्लैश ईट्स करते हैं। ठीक है, यानी जो एनिमल्स को खाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कार्निवोरस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें फ्रॉग हो गया, जैकल हो गया और वाइल्ड कैट हो गई, है ना।
इसके अलावा कुछ और भी आपके डायग्राम में दिए हुए हैं, ये सब क्या है, कार्निवोरस के एग्जांपल्स हैं, है ना। जैसे ये वॉल्फ हो गई, है ना, और ये लॉयन हो गया, ये टाइगर, वेल, ये सब कार्निवोरस होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, दूसरे। अब ओमनीवोरस क्या होते हैं, ओमनीवोरस दे आर दोस दैट फीड ऑन प्लांट्स एज वेल एज ऑन एनिमल्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स को और साथ साथ एनिमल्स दोनों को खाते हैं, यानी प्लांट और फ्लैश ईट्स दोनों करते हैं, उसको क्या कहते हैं, ओमनीवोरस। जैसे डॉग हो गया, बियर हो गया, आंट हो गया, ह्यूमन हो गया, ये सब ओमनीवोरस है। पैरासाइट्स क्या होते हैं देखते हैं स्टूडेंट। पैरासाइट्स का मतलब होता है दे आर दोस दैट लिव ऑन अदर ऑर्गेनिज्म बॉडी इधर और इनसाइड द फूड। जो ऑर्गेनिज्म किसी की बॉडी में या बॉडी के अंदर होते हैं, जो अपनी फुल न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं किसी की बॉडी पर रहकर, उसको हम पैरासाइट्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये लीचेंस होते हैं, ये बॉडी के ऊपर रह के, ह्यूमन की बॉडी के ऊपर रहते हैं और अपने न्यूट्रिशन नीड्स को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं, तो ये क्या है, पैरासाइट्स होते हैं, है ना। तो इसे एक्टोपैरासाइट भी बोलते हैं। तो ये जो लीसेस होते हैं, ये ह्यूमन की बॉडी के ऊपर रहते हैं और अपने फूड को ह्यूमन से लेते हैं, उसको क्या कहते हैं, हम पैरासाइट्स कहते हैं, ठीक है। तो यही इसमें लिखा है, दे आर दोज दैट लिव ऑन अदर ऑर्गेनिज्म बॉडी इधर और इनसाइड द फूड एंड फुलफिल इट्स न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम, टैपवॉर्म, एस्केरिस। और डीकम्पोजर क्या होते हैं, देखो डीकम्पोजर का मतलब होता है दे आर दोज ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फीड करते हैं डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर, उसको क्या कहते हैं, डीकम्पोजर। ऑर्गेनिक मैटर का मतलब आपको समझ में आ गया, प्लांट और एनिमल। फॉर एग्जाम्पल इसमें है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल और लिखे हैं, जैसे फंगाई, बैक्टीरिया, वॉर्म्स, ये सब क्या है, डीकम्पोजर में आते हैं, ठीक है। जो डीकम्पोजर होते हैं इनका रोल क्या होता है, ये क्लीन करते हैं इन्वायरमेंट को। अब नेक्स्ट है आपका फूड चेन, ठीक है। ये फूड चेन क्या है ये भी देख लेते हैं हम, ठीक है। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बींग ईटन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ईटिंग किया जाता है या बींग ईटन, या ये खाते हैं या इनके द्वारा खाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, हम फूड चेन कहते हैं, ठीक है। तो इन दिस सीक्वेंस, इसमें क्या होता है, देखो एक सीक्वेंस होता है जिसमें वन ऑर्गेनिज्म ईट करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म को, ये में से एक सीक्वेंस में होता है, इसमें एक ऑर्गेनिज्म ईट करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म को, एंड द सेम इज ईटन बाय सम अदर, और इसी तरह से और उस ऑर्गेनिज्म को दूसरा ऑर्गेनिज्म खाता है। तो इस तरह से एक चेन बनती है जिसे हम फूड चेन कहते हैं। जैसे ये प्रोड्यूसर है यानी ग्रास है, ये खुद से बन रही हैं, है ना, अपना खाना खुद बना रही हैं, इसलिए ना हमने प्रोड्यूसर कहा है, जो ग्रास है। अब ये जो ग्रास है, ग्रास को कौन खा रहा है, ग्रास होपर्स खा रहे हैं। जो ग्रास होपर्स हैं, जो हार्बीवोरस हैं, वो क्या करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है। और इसे हमने क्या माना है, प्राइमरी कंज्यूमर। कंज्यूमर का मतलब समझ में आ गया, जो प्लांट्स को खाते हैं उनको क्या कहते हैं, हम कंज्यूमर कहते हैं। तो ये प्राइमरी कंज्यूमर है, इसने ग्रास को खाया। फिर ये ब्लूबर्ड है, ब्लूबर्ड ने क्या करा, ग्रास होपर को खा लिया। तो इसने ग्रास होपर्स को खा लिया, तो इस ये क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। अब जो ब्लूबर्ड्स थी उसको किसने, स्नेक ने खा लिया। तो स्नेक ने खा लिया तो ये टेरिटरी कंज्यूमर हो गया। अब इस स्नेक को इस आउल ने खा लिया, ठीक है। तो इसी तरह फिर ये आउल को क्या हुआ, डेड डिकिंग होने वाले हैं ये सब, तो ये सब क्या हो गए, डिकम्पोजर हो गए, है ना। तो इस तरह से ये फूड की चेन बन जाती है, एक सीक्वेंस में चेन बन जाती है, इसी को हम क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं, क्लियर है। जैसे ग्रास को किसने खाया, प्राइमरी कंज्यूमर ने, प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टेरिटरी कंज्यूमर ने खा लिया इसको, फिर एपेक्स प्रेडेटर ने खाया, और फिर डिकम्पोजर ने। तो ये एक तरह की एक चेन बन जाती है, इसी को हम कहते हैं फूड चेन। ये जो स्टेप्स होते हैं इसके अंदर चार या पांच स्टेप होते हैं। ए फूड चेन जनरली कंसिस्ट ऑफ प्रोड्यूसर,
कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। जो फूड चेन होती है उसमें क्या प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है और डिकम्पोजर है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपने देखा प्रोड्यूसर और ये सब क्या थे, कंज्यूमर थे, और लास्ट में क्या बने, डिकम्पोजर। तो डिकम्पोजर ये जो था डिकम्पोजर हो गया। ईच स्टेप ऑफ फूड चेन इज़ कॉल्ड इट्स ट्रॉपिक लेवल। जो फूड चेन की हर स्टेप को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक लेवल कहते हैं, है ना। ये जो सब क्या है, ये इसके लेवल हैं जिसे हम ट्रॉपिक लेवल कहते हैं, ठीक है। अब इस ट्रॉपिक लेवल में होता क्या है, इस ट्रॉपिक लेवल के अंदर होता क्या है, देखो बेसिकली इसके अंदर होता क्या है, ये क्या करते हैं, एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं। देखो ग्रास से इसको एनर्जी मिली, इससे इसको एनर्जी मिली, तो ये जो भी ट्रॉपिक लेवल होता है उस ट्रॉपिक लेवल के अंदर क्या है, एनर्जी का क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। और जो ट्रॉपिक लेवल होता है, ये फूड चेन कंसिस्ट ऑफ 4 to 5 ट्रॉपिक लेवल्स, इसके अंदर 4 to 5 ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं, कम भी हो सकते हैं लेकिन 5 तक ही होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि जो एनर्जी होती है, जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्म हो रहा है ना हर लेवल में, तो ज़्यादा स्टेज हो जाएंगी तो इसमें एनर्जी का जो ट्रांसफ़र होता है वो ऑलमोस्ट निल हो जाता है, इसलिए ट्रॉपिक लेवल 4 to 5 तक ही इसमें ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं, क्लियर है। तो ये फूड चेन के अंदर 4 to 5 ट्रॉपिक लेवल। द फूड चेन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ड्रॉइंग पिरामिड्स। अब जो ये आपने फूड चेन बनाई, इसको हम पिरामिड्स के फॉर्म में भी बना सकते हैं, अगर आप बिल्कुल स्टेप जैसा बन रहा था लास्ट पेज पे वैसा, प्रीवियस पेज पे जैसा बन रहा था वैसे ना बनाना चाहो तो आप पिरामिड में भी बना सकते हो। तो पिरामिड के अंदर सबसे नीचे तो क्या आ जाएंगे, प्रोड्यूसर्स आ जाएंगे, फिर उसके ऊपर क्या आ जाएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टेरिटरी कंज्यूमर, और ऊपर ही ऊपर आ जाएगा इसमें डिकम्पोजर, ठीक है। तो इस तरह से इसके अंदर लेवल हो गए T1, T2, T3, T4 और T5। इस तरह से 4-5 लेवल इसमें बना सकते हो आप, क्लियर है। कुछ एग्जांपल दे रखे हैं इसमें टेस्टेरियल फूड चेन का, जैसे टेस्टेरियल फूड चेन में क्या दे रखा है आपको, जो ग्रेन प्लांट्स होते हैं उनको कौन खाता है, डियर, और डियर को लॉइन खा जाते हैं। तो ये जो ग्रीन प्लांट्स था, ये 1 level, 2 level और इसमें 3 level हो गए, तो इसमें ट्रॉपिक लेवल दे रखे हैं 3, ठीक है। तो समझ में आया, तो इसमें 3 steps दे रखी हैं। इसी तरह से इसमें एक और एग्जांपल दे रखा है, वो एग्जांपल है ग्रास है, ग्रास को किसने खाया, ग्रास होपर ने, इसे फ्रोग ने, फिर फ्रोग ने स्नेक, फ्रोग को स्नेक ने खाया और स्नेक को हॉक ने खाया। तो इसके अंदर 1, 2, 3, 4 और 5 इसके अंदर जो स्टेप्स हो रही हैं वो 5 steps हो रही हैं, ठीक है। तो ये 5 steps, तो इसमें 3, 4, 5 steps ऐसे हो सकते हैं। और एग्जांपल दे रखा है इसमें एक्यूटिक फूड चेन का भी, एक्यूटिक प्लांट्स को किसने खाया, जू प्लैंकटन्स ने, है ना, फिर इनको किसने, फिश ने, स्मॉल फिशेस ने खा लिया इसको, ठीक है, इसको स्मॉल फिशेस के बाद इसे लार्ज फिश ने खाया, ठीक है। तो ये पूरा एक चेन सिस्टम दे रखा है, तो इस तरह से इसमें एक फूड की चेन बन सकती है। अब स्टूडेंट हम देखते हैं फूड वेव, फूड वेव क्या होता है। तो स्टूडेंट अभी तक हमने जो फूड चेन देखी थी, अगर फूड चेन कई सारी फूड चेन इंटरकनेक्टेड हो जाए तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, फूड वेव बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ डिफाइंड एज इंटरकनेक्टेड फूड चेन, इन दिस एनी ऑर्गेनिज्म इज ईटन बाय सेवरल और अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसमें कई सारी वेव चेन बन जाती हैं, फूड चेन आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाती हैं, और इसमें जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म खा जाते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको दिख रहा है, जैसे हम कॉर्न लेते हैं, कॉर्न को किसने खाया, ग्रास ओपर ने खाया, ग्रास ओपर को रेट ने, रेट को फाइथोन ने खाया, और इसको किसने खा लिया, ईगल ने खा लिया, ठीक है। ये एक फूड चेन बन गई। अगर दूसरी फूड चेन बनाना चाहें तो हमने कॉर्न लिया, कॉर्न को किसने खाया, ग्रास ऊपर ने खाया, इसको फ्रॉग ने खाया, और फ्रॉग को किसने खाया, पैंथोन ने, और इसको फिर ईगल ने खा लिया। या दूसरा ऐसा भी हो सकता है, फ्रॉग को डायरेक्ट ईगल खा जाए। तो ये कई तरह की चेन जो होती हैं वो एक दूसरे से फूड चेन क्या हो जाती है, इंटरकनेक्ट हो जाती हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, फूड वेव बोलते हैं, क्लियर है। और इन दिस एनी ऑर्गेनिज्म इज ईटन बाय सेवरल अदर ऑर्गेनिज्म। अब हम देखते हैं स्टूडेंट 10% लॉ,
ये आपका इम्पोर्टेंट है, 10% लो, ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो इसको आप अच्छे से समझ लेना, ठीक है। 10% लो क्या होता है ये, देखो 10% लो का मतलब है, इससे जो एनर्जी होती है, अभी हमने देखा था कि एनर्जी का क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होता है ना, ट्रांसपोर्ट की जाती है हर लेवल के अंदर, हर ट्रॉपिक लेवल के अंदर क्या है, एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है। तो इसमें क्या कह रहा है ये, द एनर्जी दैट गेट्स ट्रांसफर्ड एट द ईच ट्रॉपिक लेवल, हर लेवल में जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो ओनली क्या होता है, 10% होता है ऑफ द एनर्जी अवेलेबल एट द प्रीवियस लेवल। जो प्रीवियस लेवल से हमें जो एनर्जी मिलेगी उसका 10% ही आगे ट्रांसफर होता है। जैसे सन है, सन के अंदर मानते हैं हम जैसे 1000 joules ऑफ एनर्जी दे रहा है ये प्लांट्स को, तो 1000 का 10% निकालेंगे तो ये मिलेगा ग्रास को, यानी 10 joule एनर्जी मिल जाएगी ग्रास को। अब जो ग्रास के पास एनर्जी है उसका 10% किसके पास जाएगा, आगे जाएगा हार्बीबोरस के पास। तो 10% का 10% हम निकालेंगे, 10 joule का 10% निकालेंगे तो वो 1 joule, यानी 1 joule एनर्जी किस में जाएगी, हार्बीबोरस के पास, ठीक है। 10 joule का 10% निकाला तो कितना आया, 1, तो 1 joule एनर्जी। अब ये जो 1 joule है इसका 10% जाएगा किसके पास, कार्निवोरस के पास। तो जो एनर्जी जैसे सन से आई तो वो एनर्जी ज़्यादा थी, फिर हार्बीबोरस के पास गई तो वो कम हो गई, काफ़ी कम हो गई, और जब कार्निवोरस के पास गई तो वो एनर्जी बहुत ही ज़्यादा कम हो गई, समझ गए। तो ये होता है हमारा 10% लो, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इट इज़ डिफाइंड एज एन इंक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ सम हार्मफुल सब्सटेंस एट ट्रॉपिक लेवल। इसमें क्या होता है, जो हर ट्रॉपिक लेवल के अंदर जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं वो इंक्रीज होते चले जाते हैं, ठीक है। तो हार्मफुल जैसे कि हमने जो प्लांट होते हैं, प्लांट को डियर ने खाया, डियर को लॉइन ने, और ये जो हम प्लांट बना रहे हैं इसके अंदर हम कुछ केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं, तो अगर हम इसके अंदर जो केमिकल डाल रहे हैं उसका उससे काफ़ी गुना ज़्यादा किस में चला जाएगा, केमिकल प्लांट में, तो जितना भी जाएगा 10% गया सपोज करो, तो 10% तो प्लांट में हमने केमिकल का यूज़ किया। अब जब ये प्लांट को जब इस प्लांट को हार्बीवोरस खाएंगे यानी डियर्स खाएंगी, तो ये जो केमिकल गया है ना, ये केमिकल का कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा जाएगा डियर के अंदर, ठीक है। और जो डियर के बाद इस डियर को जो कौन खाएगा, लॉइन खाएगा, तो ये जो परसेंटेज है केमिकल का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। इसी को हम कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं, क्लियर है। इट इज़ डिफाइंड एज एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सम हार्मफुल सब्सटेंस एट ट्रॉपिक लेवल्स, समटाइम्स दिस हार्मफुल केमिकल्स मे एंटर इनटू फूड चेन, इट इज़ सरप्राइजिंग टू नोट दैट एट ईच स्टेप द कंसंट्रेशन कीप ऑन इंक्रीजिंग, क्लियर है। तो इस तरह से अगर यहाँ आपको दे रखा है, ये देखो आपको एक पूरा सिस्टम बना के दे रखा है, इस तरह से केमिकल का लेवल बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो केमिकल का लेवल हमेशा हर स्टेप में, हर लेवल में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, इसी को हम कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं ओजोन के रिगार्डिंग भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओजोन क्या होता है, O3 को कहते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के जो 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, एक ओजोन का एटम बनाते हैं, ठीक है। और ये जो ओजोन होती है ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर के अंदर भी स्ट्रेटोस्फीयर लेयर के अंदर ये प्रेजेंट होती है ओजोन, ठीक है। ओजोन जो है, ओजोन फॉर्म कर रही है, क्या कर रही है, हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है ना। तो इट इज़ ए मॉलिक्यूल ऑफ 3 ओजोन एटम्स इज O3, दिस इज प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फीयर दैट इज ए लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ओजोन इज फॉर्म व्हेन अल्ट्रावायलेट रे इज अपर एटमॉस्फेयर स्प्लिट ओजोन एटम्स, क्लियर है। तो ये आपसे इस तरह के इसमें से कोई से भी क्वेश्चन आपसे बना के पूछे जाते हैं तो आप लिख सक पाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, जो एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन है उस पर अल्ट्रावायलेट रे पड़ती हैं, तो जैसे ही अल्ट्रावायलेट रेज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती हैं तो ये ऑक्सीजन क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन ब्रेक हो जाता है और जो ऑक्सीजन बची
है ना। जैसे देखो ये O2 थी, इस पर अल्ट्रा वायलेट रेस आई तो ये क्या हो गया, O प्लस O में कन्वर्ट हो गया। अब ये O2 के साथ में कुछ O भी बची, ये आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगी, O3 ओजोन बनाती, इस तरह से ओजोन बनती है। ओजोन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन एज इट डज नॉट अलाउ अल्ट्रा वायलेट रेज टू एंटर अर्थ एटमोसफियर दैट इफ एंटर इन टू अर्थ मे हार्म अस इन मैनी वेज। ठीक है, ओजोन हमें अल्ट्रा वायलेट रेज से बचा रही है, अगर ये नहीं होगी तो कई हानिकारक हमारे अंदर रेज पहुँच जाएंगे। उससे क्या होगा, दे मे रेज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ, इट कैन कॉज ग्लोबल वार्मिंग, इट कैन कॉज स्किन डिसऑर्डर्स और इट कैन कॉज आई डिसऑर्डर एंड मैनी मोर। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट अगर रेज आएंगी तो ये सारे चीज़ें हमें इस तरह से हार्म, अर्थ का टेम्परेचर राइज हो जाए, ग्लोबल वार्मिंग हो जाए, स्किन के डिसऑर्डर्स हो जाए, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहे हैं। अब स्टूडेंट हम देखते हैं ओजोन डिप्लेशन के बारे में। ओजोन डिप्लेशन क्या होता है, द थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर बाय एयर पोल्यूएंट इज कॉल्ड ओजोन डिप्लेशन। जो ओजोन लेयर है हमारी वो थिन होती जा रही है। ठीक है, ओजोन लेयर क्या है, थिन होती जा रही है, क्यों हो रही है, एयर पोल्यूएंट के कारण। तो एयर पोल्यूएंट के कारण जो ओजोन का थिन होना ही क्या कहलाता है, ओजोन डिप्लेशन कहलाता है। इज इट क्लियर। फॉर दिस सम सिंथेटिक केमिकल आर रिस्पॉन्सिबल। जो ये ओजोन डिप्लेशन हो रहा है, इस डिप्लेशन का कारण एयर पोल्यूएंट है, एयर पोल्यूएंट के है और क्या है, कुछ सिंथेटिक केमिकल्स भी रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। ठीक है, ओजोन डिप्लेशन के लिए कुछ सिंथेटिक केमिकल रिस्पॉन्स है, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है इसी के कारण ओजोन में क्या हो रहा है, छेद हो गया है। क्लियर है ना। और इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज़ कहाँ किया जाता है, इसे शॉर्ट में CFC बोलते हैं। इसका यूज़ किस में, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है। तो ये था हमारा ओजोन डिप्लेशन। लास्ट है हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, एक एग्रीमेंट है जो किया गया है इंडस्ट्रियल नेशंस के द्वारा। इसमें क्या इन्होंने कहा गया है कि जो CFC है इसके प्रोडक्शन को क्या कर देना चाहिए, फ्रीज कर देना चाहिए, क्योंकि इसी के कारण तो ओजोन डिप्लेशन हो रहा है ना, इसलिए इसको फ्रीज कर देना चाहिए, है ना। और इसकी जगह कुछ अल्टरनेटिव सोर्सों का यूज़ करना चाहिए, इसी को कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और ये कब किया गया था, इट वॉज डन इन 1987। इसे कब डन किया गया था, 1987 में UNEP द्वारा, तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसे 1987 में बनाया गया था। नाउ इंस्टेड ऑफ यूजिंग CFC, इन्होंने कहा जो CFC यूज़ हो रहा है उसकी जगह HFC या PFC का यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, HFC और PFC का यूज़ हार्मफुल नहीं होगा। अब स्टूडेंट हम देखते हैं गार्बेज के बारे में। गार्बेज के बारे में आप जानते ही हैं, इट इज़ रिफ्यूज ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड फूड एलोंग विथ अदर डोमेस्टिक वेस्टेज। जो फ्रूट्स वेजिटेबल और फूड के को जो हम रिफ्यूज़ कर देते हैं, उसी डोमेस्टिक वेस्टेज को क्या बोलते हैं, हम गार्बेज बोलते हैं। ठीक है, दीज आर कंसिडर्ड एज वेस्ट एंड देयर आर सर्टन मेथड फॉर डिस्पोजिंग द वेस्ट इन राइट वे। ये जो वेस्ट होता है इसको डिस्पोज करने के कुछ वेज दे रखे हैं, इस तरह से हम इन्हें डिस्पोज कर देते हैं इस गार्बेज को। कैसे कर देते हैं, चले वो भी देख लेते हैं। एक तो लैंडफिल्स के द्वारा, प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट, है ना, बर्निंग एट हाई टेम्परेचर और प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस एंड मैन्योर। ये मैन्योर के बारे में आप जानते ही हैं, मैन्योर क्या करता है, सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाता है। ये जो खाद होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, मैन्योर बोलते हैं, है ना, ये सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ा देती है। तो स्टूडेंट इसी के साथ ये चैप्टर होता है ख़त्म और आपकी साइंस भी होती है कम्प्लीट। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।